सभी को राम राम। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप मन लगा के पढ़ना। ठीक है, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। पहला क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी क्या है? शेल्डन और यंग ने इसका किस प्रकार वर्णन किया है और इसके 5 बड़े सिद्धांत कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले जो पर्सनैलिटी हम किसे कहते हैं, जो व्यक्ति की शारीरिक संरचना होती है, उसकी सोच, विचार, व्यवहार, योग्यता, उसकी पोस्ट, ये सब मिला के जो है ना उसका व्यक्तित्व बनता है, इसे कहते हैं व्यक्तित्व। ठीक है बच्चों, शेल्डन के अनुसार, फिजिकल एजुकेशन के अनुसार उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। एक तो एडोमोर्फ, एडोमोर्फ में शेल्डन ने कहा है कि इसमें बहुत शरीर भारी होता है, मोटा होता है, यह पावर लिफ्टिंग और कुश्ती और वेट लिफ्टिंग आदि खेलों में अधिक कामयाब होते हैं। दूसरा उन्होंने बताया है मेसोमोर्फ, यह बिल्कुल फिजिकल फिट होते हैं, इनकी बॉडी एथलेटिक होती है, गुठा हुआ शरीर होता है, यह हर प्रकार के खेलों के लिए उपयुक्त होते हैं, या किसी भी प्रकार हॉकी हो, फुटबॉल हो, एथलेटिक हो, सभी प्रकार के खेलों के लिए ये बिल्कुल उचित होते हैं। तीसरा उन्होंने बताया एक्टोमोर्फ, यह बहुत दुबले पतले और लंबे होते हैं और कमजोर होते हैं, तो यह लंबी दूरी की दौड़ों के लिए अधिक कामयाब होते हैं, जैसे 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10000 मीटर, तो लंबी दूरी की दौड़ों के लिए इनका हल्का शरीर होने के कारण इनको काफ़ी फायदा होता है। ठीक है, अब आते हैं जंग के अनुसार। जंग के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व का 3 प्रकार से वर्णन किया है, अंत्यमुर्खी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये 100% पेपर में आएगा बच्चों, बड़ी अच्छी तरह से याद कर लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह क्वेश्चन पेपर में ना आए। नेक्स्ट कहते हैं व्यक्तित्व के 5 बड़े सिद्धांत। 5 बड़े सिद्धांत हैं, नंबर 1 खुलापन, नंबर 2 बहिर्मुखता, नंबर 3 विवेकशीलता, नंबर 4 सहमतता, नंबर 5 मनोविशुद्धता। आप इसको बड़ी अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, ये 100% पेपर में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आक्रामकता किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है? आक्रामकता कहते हैं खेलों में किसी दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, ये कहलाते हैं आक्रामकता। आक्रामकता 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 नियमित आक्रामकता, इसमें क्या होता है खिलाड़ी अपने फायदे के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए ये दूसरे खिलाड़ी को चोट मारने की कोशिश करता है, जैसे फुटबॉल में गोल होने वाला होता है तो उसके आगे टांग लगा देता है, जान के हॉकी से बॉल मारता है, बाउंसर बॉल फेंकता है क्रिकेट के अंदर। ठीक है, दूसरा होता है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, ये जानबूझकर अपने बदले की भावना से दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचाने के लिए जो है ना ये इस प्रकार की आक्रामकता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खेलों में मनोवैज्ञानिक गुण। मनोवैज्ञानिक गुण कौन कौन से हैं? आत्मसम्मान, मानसिक परिकल्पना, नंबर 3 लक्ष्य, नंबर 4 आत्मचर्चा। ठीक है बच्चों, बड़े आराम से और बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ना, फाइनल पेपर में भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़कर फिर आप जवाब लिखना। थैंक यू प्यारे बच्चों।